हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल इंडिया लिमिटेड के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक के हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के 85 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 4 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर अपना फर्स्ट नेम आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो भी आप ऐसे ही एंटर करके कंफर्म कर लें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर डोमेन नेम आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। इन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और अब यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, आपको इनके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 20 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। इन फॉर्मेट्स में आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी और टाइप सेलेक्ट कर लें, नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है, आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपसे उसके बाद आपको अपनी यहां पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी उन शख्स के बच्चे या फिर फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी हत्या 1984 के दंगों के दौरान हो गई थी, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सेल के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी कि एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस कर लें और फिर यहां पर आपको सेल पीएल नंबर देना होगा, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, रांची। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या
आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें और फिर उनका नाम और जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एड्रेस कम्युनिकेशन की डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं इनवॉइसिंग के लिए, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहां पर अटेंडेंट कम, जी हां दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी जरूरी है मिनिमम 1 साल की डेजिग्नेटेड ट्रेड के अंतर्गत किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट या फिर और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ। तो यहां पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको बताना है 10वीं की बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहां पर आपको बताना है आपने किस स्ट्रीम में अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद आपको पासिंग डेट यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, क्लास सेलेक्ट कर ले, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कंप्लीट कर रखी है अप्रेंटिसिंग ट्रेनिंग 1 साल की ड्यूरेशन की इंटीग्रेटेड डेजिग्नेटेड ट्रेड में किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम एंटर करना है जिस ट्रेड से आपने अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है। फिर आपको जहाँ से आपने, जिस स्टील प्लांट से आपने अपनी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट की है उसका नाम और उसकी एड्रेस यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितने साल आपने की है, 1 या 2। उसके बाद कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, कब आपने पास आउट की है ये ट्रेनिंग वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना ट्रेनी नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। और अगर आप एक्सपीरियंस की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर अपना नाम एंटर करना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी, कब से कब तक आपने कार्य किया है वो आप इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लें, नेचर ऑफ ड्यूटी एंटर करें, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसके छोड़ने का कारण यहां पर दे। इन डेट्स के सिलेक्शन के आधार पर आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहां पर आपको शो कर दिए जाएंगे, टोटल एक्सपीरियंस आपको मंथ में भी शो कर दिया जाएगा। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर इस टैब पर क्लिक करें, एक और रो आपके लिए यहां पर ऐड हो जाएगी और फिर आप अपना एक्सपीरियंस दे दें। उसके बाद यहां पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, कम से कम आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, रीड, राइट और स्पीक। उसके बाद आपको जो लैंग्वेजेज आती है वो यहाँ पर एंटर करें और उनकी डिटेल दें कि आप उन्हें रीड, राइट, स्पीक क्या करना जानते हो। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स का प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहां पर बैक बटन पर क्लिक करके बैक करके अपनी डिटेल्स को ओके कर सकते हो। और अगर सभी डिटेल्स आपके चेकआउट करने के बाद ओके हैं तो आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एनसीवीटी सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहां पर अपलोड कर देना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दे दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी, यहां पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में
50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और आपको अपना एनसीवीटी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइज यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है आपको 300 रुपये फीस जमा करानी होगी। अगर आप SC ST PWBD या फिर डिपार्टमेंटल या फिर ESM कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर मात्र 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर QR या फिर UPI के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर देना है, फिर आपको अपना एक्सपायरी मंथ और ईयर यहां से सिलेक्ट कर लेना है अपने कार्ड का, और फिर उसका 3 डिजिट का CVV नंबर आपको एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नेम आपको एंटर करना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।